नमस्कार, जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक में। एस्ट्रो तक का चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए नीचे गए दिए बेल आइकन को प्रेस करके। आज हम बात करेंगे पीपल की। पीपल का पेड़, बहुत लोगों को ऐसा लगता है पीपल के पेड़ के नीचे नहीं जाना, कोई भूत प्रेत की बाधा ना हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है। पीपल का पेड़ जो होता है, जैसे हम जानते हैं कि हर पेड़ जो होता है वो रात को ऑक्सीजन छोड़ता है, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, मगर पीपल का एक ऐसा पेड़ है जो 2400 घंटे ऑक्सीजन छोड़ता है। इसी वजह से हम कहते हैं कि रात को पीपल के वृक्ष के नीचे नहीं जाना चाहिए। और पीपल के कितने सारे लाभ हैं, आज हम इसी विषय पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे पीपल के पेड़ पे विष्णु जी का वास होता है, शनि देव का वास होता है और जितने भी अन्य देवी देवता हैं उनका वास होता है। इसलिए कहते हैं कि जब भी आप पूजा करते हैं तो मन को बिल्कुल स्वच्छ तरीके से रखें, स्वच्छ रूप से रखें। मन में ऐसी कोई भी चीज़ ना लेके आए, कोई भी ऐसा बात ना लेके आए, किसी के लिए गलत बात ना लेके आए जिसकी वजह से आपको उस चीज़ का नुकसान उठाना पड़े। तो आज हम उसी विषय पे बात करेंगे कि पीपल के क्या कुछ लाभ हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि पीपल के नीचे अगर हम शनिवार के दिन एक घी का दीपक और एक सरसों के तेल का दीपक जला करके पीपल के पेड़ की परिक्रमा 11 बार करते हैं, तो जितने भी हमारे 9 ग्रहों के दोष हैं, चाहे कुंडली में आपका कोई भी ग्रह उच्च का हो चाहे नीच का हो, वो दोष कम हो जाएंगे और आपको अपने 9 ग्रहों का लाभ अवश्य मिलेगा। पीपल के पेड़ के आप नित्य रूप से 11 परिक्रमा करते हैं और दूध गंगा जल जल में मिला करके पीपल के पेड़ पे चढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा, 7 दिन नहीं, संडे का दिन यानी रविवार का दिन छोड़ करके बाकी के 6 दिन अगर आप नित्य रूप से पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं तो आपकी कुंडली में अगर कालसर्प दोष है या पितृ दोष है तो उससे भी आपको छुटकारा मिल जाएगा। छुटकारा पूरी तरह से नहीं, मतलब लाभ आपको ज़रूर मिलेगा। जो भी आपके जीवन में बाधाएँ आ रही है इन दोषों की वजह से, वो कम हो जाएंगी। बात करेंगे उन लोगों की जिन लोगों की शनि की 7.5 या 2.5 चल रही है, तो उसका प्रभाव कम करने के लिए। अब ऐसा तो है नहीं कि हम शनि की 7.5 हम बिल्कुल ही ख़त्म कर सकते हैं, मगर हम उसका प्रभाव कम कर सकते हैं। तो करना क्या है आपको, दूध जल में साथ ही साथ थोड़ा सा गुड़ मिला करके आपको शनिवार के दिन आपको पीपल की परिक्रमा करनी है 7 बार। ये आप जल चढ़ाएंगे और शनिवार के दिन शनि देव का मत्र पढ़ेंगे, ओम शंख शनिश्चराय नमः। ऐसा करने से आपकी अगर शनि की 7.5 चल रही है या 2.5 चल रही है तो उसमें आपको लाभ मिलेगा। बात करेंगे हम अगले उपाय की। यदि आपके घर में आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं है, कहीं ना कहीं धन हानि हो रही है या धन खर्चा ज़्यादा हो रहा है, अधिक खर्चा हो रहा है, तो करना क्या है, हर पूर्णिमा पे आपको दूध में कमल या फिर आप गुलाब डाल करके पीपल के पेड़ पे चढ़ाइए और साथ ही साथ मंत्र पढ़ते जाइए। ये परिक्रमा करते करते आपको चढ़ानी है, 11 परिक्रमा करने हैं और साथ साथ आपको ये मंत्र का जाप करना है, ओम ह्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम लक्ष्मी वासुदेवाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से अगर आपके घर में आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है या धन हानि हो रही है, धन से जुड़ी कोई भी समस्या हो रही है आपके परिवार में, तो वो समाप्त हो जाएगी। बात करेंगे हम उन लोगों के लिए जो अस्थमा से पीड़ित हैं, अस्थमा की शिकायत है, सांस लेने में तकलीफ होती है, कोई दवाई लेते वक्त भी असर नहीं कर रही है, तो करना क्या है, पीपल का सूखा फल, पीपल के फल होता है उस वो सुखा लें, अगर हरा है तो सुखा लें, उसका पाउडर बना करके आप 1 चम्मच डेली लीजिए। आपके अस्थमा का अगर रोग है तो उसमें आपका उसका प्रभाव कम हो जाएगा और उससे आपको लाभ मिलेगा। अगर आप पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के नित्य रूप से या शनिवार और मंगलवार हनुमान 40 पढ़ते हैं
तो अगर आपकी शनि की साढ़े साथी चल रही है या ढैया चल रही है, या मंगल की कोई महादशा चल रही है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो रहा है, तो उसमें भी प्रभाव कम हो जाएगा और आपको लाभ होगा। बात करेंगे हम अंतिम उपाय की, पीपल के पेड़ का अंतिम उपाय। यदि आपको पुरुषों की बात कर रहे हैं हम इसमें, या जिन लोगों को रक्त का रोग है, किसी भी ब्लड से रिलेटेड या ब्लड से संबंधित कोई भी रोग है, तो करना क्या है आपको, पीपल के पेड़ की छाल, पीपल के पेड़ की छाल को आपको चूरा बना लेना है, पाउडर बना करके डेली सेवन करना है। अगर पुरुषों में कोई किसी भी प्रकार की समस्या है तो वो भी ठीक हो जाएगी, साथ ही साथ अगर रक्त से संबंधित कोई भी समस्या है तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। उम्मीद करती हूँ ये विषय आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा ये विषय, कितना लाभकारी है, ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ताकि इसका लाभ अन्य लोग भी उठा पाएँ, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एस्ट्रो तक। मिलेंगे हम आपसे अगली बार, इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त। नमस्कार, जय श्री राधे।